हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 37, शेड्यूल टू बी डन ऑन 7th October 2021 फॉर क्लास 10th। स्टूडेंट्स, टुडेज वर्कशीट इज़ बेस्ड ऑन लेटर राइटिंग। आप बेटा लेटर राइटिंग पहले भी जानते हैं और आज आप फॉर्मल लेटर राइटिंग, लेटर टू एडिटर, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, हमें कुछ क्वेश्चंस और एक क्वेश्चन के फॉर्म में उस पर बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि हम पहले क्वेश्चन को समझना सीखें कि क्वेश्चन में क्या क्या हमें दिया हुआ है, जिससे निकाल कर हम उस फॉर्मेट में कंप्लीट कर सकते हैं। आपको फॉर्मेट फॉर्मल लेटर का पहले भी दिया जा चुका है, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं। यू आर सुमिधा और सुमित ऑफ 172 सी इंद्रप्रस्थ रोड, विज्ञान लोक। यू हैव बीन ऑब्जर्विंग क्वाइट सम टाइम नाउ दैट स्टूडेंट्स हैव बिकम इनसेपरेबल फ्रॉम देयर मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट। तो आप सभी बच्चे देखते हैं बेटा कि मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के बिना बच्चे नहीं रह पा रहे हैं, इन्हें सेपरेट नहीं किया जा रहा है। तो राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अर न्यूज़पेपर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न्स अबाउट देयर हार्मफुल इफेक्ट्स। तो एक एडिटर को लेटर लिखना है जिसमें हमें अपने कंसर्न्स बताने हैं कि क्या हार्मफुल इफेक्ट्स हैं मोबाइल फ़ोन के, एंड हाउ वी कैन यूज़ देम प्रोडक्टिवली, और कैसे हम मोबाइल फ़ोन का यूज़ प्रोडक्टिवली कर सकते हैं। तो आइए, पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको मैं फॉर्मेट बताती हूँ कि अगर ये फॉर्मेट है तो फॉर्मेट में देखिए बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर यानी कि भेजना, हम जो भेज रहा है लेटर उसका क्या एड्रेस है, और रिसीवर एड्रेस। तो रिसीवर एड्रेस, यहाँ पर सेंडर एड्रेस जनरली आपके क्वेश्चन में दिया होता है, और रिसीवर कौन है, द एडिटर जिसको आप एडिट भेज रहे हैं लेटर। तो यहाँ देखिए, अगर हम माने ये हमारा पेपर है और पेपर पे आपने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा, सेंडर्स एड्रेस आता है। सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद आप लिखते हैं रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर को एड्रेस करते हैं, जिसमें रिसीवर कौन है हमारा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो रिसीवर है हमारा द एडिटर ऑफ द न्यूज़पेपर। तो एडिटर द हिंदुस्तान टाइम्स, ये कौन है, ये रिसीवर है, और सेंडर्स है हमारा 172 सी, मुझे जो कहा गया एड्रेस कि आप ये हैं, आप सुमिधा हैं, भेजने वाले सुमिधा या सुमित हैं, सेंडर हैं, और आपका एड्रेस ये है। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो आंसर हो जाएगा कि सेंडर कौन है, 172 सी इंद्रप्रस्थ रोड, विज्ञान लोक। वेयर विल यू राइट द सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन कब आता है, जब सेंडर एड्रेस आ जाता है, सेंडर एड्रेस के बाद रिसीवर एड्रेस आता है, और रिसीवर एड्रेस के बाद आप सब्जेक्ट को लिखते हैं, और सब्जेक्ट के बाद आप सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम का यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं सैल्यूट करते हैं ना, तो सैल्यूट से सैल्यूटेशन याद करिए। तो ये किसके बाद आया, एक्चुअली बेटा आफ्टर और बिफोर सब्जेक्ट दोनों चलता है, लेकिन एक्चुअल जो सही जो फॉर्मेट है वो है आफ्टर द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सब्जेक्ट इन दिस लेटर टू द एडिटर कुड बी। तो जो सब्जेक्ट है इस लेटर, इस वर्कशीट का जो हमें क्वेश्चन दिया गया, इसका जो विषय है, जो लेटर लिखने का विषय क्या है, द सब्जेक्ट इन लेटर टू द एडिटर, एडिटर को जो हम लिख रहे हैं, बेनिफिट्स ऑफ द मोबाइल फ़ोन, नो, रिक्वेस्ट फॉर द मोबाइल फ़ोन, नो, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट। तो यहाँ हमारा जो विषय है जिस कारण से हम एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, सब्जेक्ट है वो है हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। तो नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज दिस लेटर टू द एडिटर हाईलाइट। तो लेटर टू द एडिटर हाईलाइट क्या कर रहा है, लेटर टू द एडिटर में पर्सनल चैलेंज है, नहीं, ये सोशल इशू है, सभी के साथ है कि सभी के बच्चे इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन से दूर नहीं रह पा रहे हैं, सेपरेट नहीं रह पा रहे हैं, तो एक सोशल इशू है। विच ऑफ़ द फॉलोइंग वुड यू सजेस्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो आप क्या सजेस्ट करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मोबाइल से दूर करने के लिए, पेरेंट्स मस्ट मॉनिटर द यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन एंड इंटरनेट। पेरेंट्स को मॉनिटर करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे किस तरह से इंटरनेट और मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। दे शुड टेक अवे ऑल मोबाइल फ़ोन्स आफ्टर द ऑनलाइन क्लासेस गेट ओवर। उन्हें ऑनलाइन क्लास होते ही मोबाइल ले लेना चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव टाइम असेस टू मोबाइल फ़ोन्स एंड इंटरनेट। एक बंधा हुआ टाइम होना चाहिए जब उनको मोबाइल या इंटरनेट असेस मिलना चाहिए, उनकी पहुंच जो है उस तक रहे। तो ये सभी सही थे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद देखिए, विच इज़ द बेस्ट ऑप्शन टू साइन ऑफ द लेटर।
तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा लेटर को साइन करने के लिए? ये फॉर्मल लेटर है तो लॉट्स ऑफ लव नहीं होगा, फेथफुल फ्रेंड नहीं होगा, वरिड स्टूडेंट भी नहीं है। तो यहाँ क्या है, योर सिंसियरली, और सुमिधा या सुमित जो आप बॉय हैं गर्ल हैं तो जो हमें नाम दिया गया है क्वेश्चन में वो यूज़ होगा योर सिंसियरली। और एक चीज़ ध्यान रखिए बेटा कि योर्स में देखिए अपोस्ट्रोफी नहीं आता, कुछ बच्चे गलती करते हैं, देखिए योर्स यहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज़ नहीं होगा, इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विथ सोप एंड वाटर, एंड यस टू स्टे फिट अगेंस्ट COVID-19 वियर अ मास्क, कीप लर्निंग एंड एंजॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।